नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीमा पांडे आज फिर आपके बीच में हूँ। 3 दिन पहले इस टॉपिक पे हम लोग को बात करनी थी लेकिन बात नहीं हो पाई। उसका कारण था कि फेसबुक पेज पे मेरे कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गई थी। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रमज़ान, जैसा कि रोज़े चल रहे हैं, आपको रमज़ान के इस पवित्र महीने की बहुत बहुत बधाइयाँ। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें इस कोविड पैंडेमिक की वजह से डिफरेंटली करनी पड़ रही हैं, और उसके साथ रोज़े में अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि आपको ये फास्ट रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो आज हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं, क्या प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए फास्टिंग रमज़ान, चूँकि बहुत लंबा होता है, लगभग 1 महीने का दौर पीरियड है जिसमें ये आपको करना पड़ता है, तो क्या ये आप प्रेग्नेंट होते हुए आपको करना चाहिए कि नहीं। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्या इतने लंबे 1 महीने तक रोज़ फास्ट करने से आप पे या आपके बच्चे पे, होने वाले बच्चे पे कुछ इसका असर पड़ता है क्या। तो जो भी स्टडीज़ आई हैं, चूँकि बहुत सारे देशों में रमज़ान के महीने में महिलाएँ बहुत दिनों से फास्ट करती आई हैं, तो ये देखा गया है कि रमज़ान में रोज़े रखने से जो बच्चा पैदा होता है उस बच्चे के वेट पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ऐसा नहीं होता कि जो लोग रोज़े रख रहे हैं उनके बच्चे पतले या कमज़ोर पैदा होते हैं, लेकिन माँ को डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। और वो महिलाएं जिनकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिनको कुछ बीमारियां हैं, अगर वो रोज़े रखती हैं तो उससे उनके हेल्थ पे और उनके बच्चे दोनों पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो फिर कौन है जो फास्ट रख सकता है, कैसे रख सकता है, और किसे ये फास्ट नहीं रखना चाहिए। मैं ये बात हर गर्भवती महिला के लिए किसी भी फास्ट पर ये अप्लाई होती है कर रही हूँ। तो जब कभी भी आपको कोई व्रत रखना होता है जिसमें 8 से 10 घंटे पानी नहीं पीना होता है, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। उसमें पहला, क्या आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी है, उसमें किसी तरह का आपको या आपके बच्चे को कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। अगर नहीं है और आपका बॉडी स्टोरेज ठीक है तो आप एक बार सोच सकती हैं फास्ट रखने के लिए, लेकिन रखना है कि नहीं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरा, क्या आप फास्ट के किस, आप प्रेगनेंसी के किस महीने में हैं, आप पहले 3 महीने में हैं या 4th से 7th महीने के बीच आपकी प्रेगनेंसी है, या लास्ट ट्राइमेस्टर में हैं आप 8वें 9वें महीने में, इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। बहुत सारी स्टडीज़ हुई जिसमें ये देखा गया कि वो महिलाएं कायदे से जो 4th से 7वें महीने के बीच का पीरियड होता है वो हर तरह से सेफ होता है, उसमें बच्चे के अंगों का कोई अंग नहीं बनते हैं, सिर्फ सब अंगों का विकास होता है, बच्चे का वेट बढ़ता है और कोई खास चेंजेस बॉडी में नहीं आते हैं जो फर्स्ट 3 मंथ्स में होते हैं और जो लास्ट में होते हैं। तो ये टाइम कायदे से देखा जाए तो सेफ है, लेकिन इस बीच में देखा गया कुछ स्टडीज़ में कि जिन महिलाओं ने 5वें या 6ठे महीने में लगातार रमज़ान की फास्टिंग की, उनको प्री टर्म लेबर समय से पहले बच्चे का दर्द शुरू हो गया, उनको बच्चे के मूवमेंट में प्रॉब्लम आई, और कभी कभी उनका बच्चा पेट में ख़त्म भी हो गया, किसी किसी को पानी शुरू हो गया, उनको पहले से कोई बीमारी नहीं थी। तो ये कहा गया कि भाई अगर आप ये रोज़े 5वें से 7वें महीने के बीच रख रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहिए, रोज़ के रोज़े मत रखिए, नागा करके रखिए। और अगर इस्लाम की बात कही जाए या दुनिया में किसी की भी, तो ईश्वर कभी ये नहीं कहता है कि किसी की जान को खतरे में डाल के कोई काम किया जाए। तो बिल्कुल ऐसा ही इस्लाम में है, जो कुछ भी मैंने पढ़ा उसमें मुझे ये पता चला कि वो महिलाएं जो गर्भवती हैं या बच्चे को दूध पिला रही हैं वो रोज़ा छोड़ सकती हैं। अब उसके 2 तरीके हैं, वो रोज़ा छोड़ के बाद में उसको ऑब्ज़र्व कर सकती हैं, पूरा कर सकती हैं, या एक और वर्ड मैंने पढ़ा, फिदाए, नहीं याद आ रहा है क्या था, कि जो व्रत नहीं कर रहा है वो दूसरों को, जो गरीब हैं ज़रूरतमंद हैं, उनके खाने पीने की अगर व्यवस्था कर देता है तो उसमें भी आपके रोज़े मान लिए जाते हैं। लोग बाद में रोज़े पूरे करने से घबराते हैं, क्योंकि जब पूरी फैमिली एक साथ फास्ट कर रही होती है तो एक स्पिरिट होती है, एक जज्बा होता है, उस जज्बे में ये पूरा हो जाता है, बाद में के लिए ये बहुत टफ होता है। लेकिन ये कॉल आपको अपने बच्चे के हिसाब से लेनी है। और दूसरा, ये रोज़े कभी
कभी बहुत एक्सट्रीम समर्स में गर्मियों में पड़ते हैं, ड्यूरेशन उनका ज़्यादा होता है, सनसेट लेट होता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। जैसे ये रोज़े इस बार के चल रहे हैं जो कि बहुत टफ माने जा रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर 40 डिग्री और उससे ऊपर भी कई जगहों पे चला जा रहा है, महिलाओं को पानी की कमी हो जा रही है। तो अगर ऐसा है और आपने इसके पहले कभी ऐसा कोई लंबा फास्ट नहीं रखा, आप बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं हैं, आपकी बॉडी कमज़ोर है, तो प्लीज़ आप सोचिएगा, क्योंकि फास्ट करना आपकी रिलीजियस जो भी भावनाएं हैं आपने धर्म को लेकर के, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती हूं, लेकिन एज अ डॉक्टर मैं आपको ये सलाह दे सकती हूं कि अपने और अपने बच्चे की सुरक्षा के को देखते हुए ही रोज़ा रखने की कोशिश कीजिएगा। कौन है वो गर्भवती महिला जो बिल्कुल भी रोज़े नहीं रख सकती है, उसमें पहला नंबर आता है उन लोगों का जिनको शुगर की बीमारी है। जितनी डायबिटिक महिलाएँ हैं जिनको शुगर की बीमारी है, चाहे पहले से या बच्चा रुकने के बाद हुई है, उनको किसी भी तरह की फास्टिंग अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई फास्ट में रहते हैं, व्रत में रहते हैं, तो आपका शुगर लेवल बहुत डाउन हो जाता है। उसके बाद जब आप रोज़े तोड़ते हैं, इफ्तारी में जब आप खाते हैं, तो शुगर लेवल बहुत शूट करता है, ऊपर जाता है। तो ये अप और डाउन आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए नुकसानदायक है। इसी तरह वो लोग जिनको प्रेगनेंसी में या ऐसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उनको भी रोज़े नहीं रखना चाहिए और उनको खाली प्रार्थना करनी चाहिए और जो कुछ भी वो दूसरों के लिए, गरीबों के लिए कर सकते हैं, वो अपना काम उनको करते रहना चाहिए। तीसरा, वो जिनकी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है, जिनकी प्रेशियस प्रेगनेंसी है, जिनको कई बार समय से पहले बच्चे पैदा हो गए हैं, जिनको लीकिंग हो चुकी है, जिनको कई मिसकैरेज हो चुके हैं, उन लोगों को भी रोज़े में सिर्फ इबादत से काम चलाना चाहिए, अच्छी बातें सोचना चाहिए, लेकिन फास्ट नहीं रखना चाहिए। वो लोग जो पहले 3 महीने में हैं, अगर वो उस महीने में तो आप वैसे भी नहीं खा पाते हैं, तो मेरे से जब कोई पूछता है कि मैडम मैं कैसे रखूं रोज़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं, तो मैं उनसे यही कहती हूं कि देखो आप लगातार मत रखो, 1-2 दिन रख के देखो कि आप कैसा फील कर रहे हो। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो आप ब्रेक कर करके, मतलब 30 में से 15 रख लीजिए, 14 रख लीजिए, 10 रख लीजिए, जितना आपसे हो पाता है। अगर आप बिल्कुल नहीं मिस करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, ब्रेक कर करके रोज़े रख सकते हैं, रोज़ के रोज़ नहीं रखिए। तो एक ये तरीका हो गया उन लोगों के लिए जिनका वेट नॉर्मल है, जिनका बीपी नॉर्मल है, जिनको शुगर की बीमारी नहीं है, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, जिनका बच्चे का ग्रोथ बिल्कुल सही चल रहा है। वो लोग सोच सकते हैं कि बीच बीच में, क्योंकि जो हमारी दादी माएँ नानियाँ थीं वो लोग रोज़े रखते थे, जितनी ब्रिटिश और यूरोपियन अरेबियन स्टडीज़ हैं उनमें 1000-1000 महिलाओं ने वो रोज़े रखे हैं और उसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट बच्चे पे आज तक देखा नहीं गया है। बस ये देखा गया है कि इन जो जो लोगों को मैंने बताया, इन लोगों में कुछ दिक्कतें आती हैं और 5वें से 7वें महीने में रोज़ा रखने पे प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस होते हैं। शुगर की महिला अगर फास्टिंग 24 आवर्स रख लेती है तो ये देखा गया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है बच्चा खोते हुए और बच्चे का दर्द समय से पहले शुरू होते हुए। तो इसलिए आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा जब आप रोज़े रख रहे हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात मैंने कर दी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप ऐसे ही कुछ नहीं खा पाते हैं, पहले 3 महीने में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट नॉर्मल से ज़्यादा नहीं होती है, जो आपको रोज़ खाना चाहिए उतने खाने में आपका काम चलता है। तो ऐसे में अगर आप रोज़े करना चाहते हैं, कर पा रहे हैं, तो ब्रेक करके या 4-6 दिन या डेली जिस तरह से रहना चाहें आप रख सकते हैं। मेरी सलाह तो यही होगी कि प्रेग्नेंट महिला बिल्कुल रोज़े ना रखें, लेकिन लगता है आपको कि नहीं मैं कर सकती हूँ और मुझे करना ही करना है, तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 4th महीने से 7th महीने के बीच में आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट 200 कैलोरी बढ़ी होती है। आप अगर पानी ठीक से नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो आपके बच्चे को 1 महीने तक ऐसा करिएगा तो उससे बच्चे के ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है। और जैसा कि वो प्री टर्म लेबर क्यों समय से पहले दर्द शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, इसका कोई कारण पता नहीं है, लेकिन
ऐसा देखा गया है। वो स्टडी बहुत बड़ी थी, 35,000 से 40,000 महिलाओं के ऊपर स्टडी किया गया था और जिसमें ये चीज़ पाई गई थी। तो बहुत ध्यान और सावधानी से, आखिरी 2 महीने में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट लगभग 400 के ऊपर चली जाती है एक्स्ट्रा आपके खाने के ऊपर। तो उतनी रिक्वायरमेंट क्या आप रोज़े रख के पूरा कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और आपकी बॉडी की सिचुएशन ऐसी है, ब्लड प्रेशर, एक्लेम्पशिया, शुगर, जो भी चीज़ें बॉडी में होनी होती हैं वो अधिकतर लास्ट ट्राइमेस्टर में दिखाई पड़ती हैं। तो वो एक ऐसा ट्राइमेस्टर है जिसमें मैं आपको सलाह दूंगी कि कृपा करके आप प्लीज़ रोज़े ना रखें, ऊपर वाले की इबादत करें, गरीबों की सेवा करें। और उससे भी नहीं होता है तो आप बाद में जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा उसको दूध पिलाना बंद कर देंगी, तब उन रोज़ों की भरपाई आप कर दीजिएगा। तो ये तो हो गया कि कब रखना चाहिए कब नहीं रखना चाहिए। अगर मैं फिर से चेतावनी दे रही हूँ, अगर आपको पिछला बच्चा समय से पहले पैदा हुआ था, पानी शुरू हो गया था, या आपको मिसकैरेज 5 से 6 महीने में हुआ था, या आपका कोई बच्चा पेट में ख़त्म हो गया था, या आपको शुगर की बीमारी हुई थी प्रेगनेंसी के दौरान, या आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो प्लीज़ 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 रोज़े नहीं रखिएगा, ये मेरे को कहना है। उसके बाद उन लोगों की वो बात आती है, मान लीजिए आपने ये सारी चीज़ें रूल आउट कर लिया, आपने समझ लिया कि मैं रोज़े रख सकती हूँ। तो आप अगर रोज़े रख रही हैं तो उसमें कुछ सावधानियाँ आपको रखना चाहिए। क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब आप रोज़े रखते हैं? तो आप शहरी में 4 बजे 3 बजे आपने पानी पिया था, कुछ खाया था, उसके बाद से पूरा दिन उस वक्त से लेके शाम के 7 बजे तक आपको पानी नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, तो आपको डिहाइड्रेशन फील हो सकता है, आपको सुस्ती लग सकती है, आपको थकान लग सकती है। वो हाउसवाइफ जो घर में प्रेगनेंसी और रोज़े के साथ काम भी करती हैं उनको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपने रोज़े रखे हैं तो दिन में कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें, कोई भी भारी वजन वाला एक्सर्शन वाला काम ना करें, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज ना करें, सिर्फ उतना ही काम करें जितना ज़रूरी हो। और उसके बाद से कुछ चीज़ें हैं जो रोज़ा खोलते हुए इफ्तारी और शहरी पे आपको ध्यान रखना है। जब आप रोज़े खोल रही हैं तो उस वक्त अचानक से कोई मीठा शरबत पी करके तुरंत मत खोलिए। बहुत अच्छा सिस्टम है, मैंने अपनी फ्रेंड्स के यहाँ देखा है कि रोज़ा, और मैंने अपने हॉस्पिटल में भी बहुत लोगों को रोज़ा खोलते देखा है, तो वो लोग रोज़ा खजूर खा के खोलते हैं, जो कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। खजूर एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो आपको मीठास भी देता है, एनर्जी भी देता है, लेकिन वो एनर्जी का बर्स्ट सडन नहीं करता है। अगर उसकी जगह आप रूह अफ़ज़ा शरबत पीते हैं, चीनी का शरबत बना के पीते हैं, तो वो अचानक आपकी शुगर लेवल को स्पाइक करता है। लेकिन वो जो आप खजूर खाते हैं उससे धीरे धीरे शुगर निकलती है। तो आप खजूर खा के पानी पिएं, ढेर सारा पानी पी लें, शरबत चाय से रोज़े ना खोलें, पहले खजूर खा के या कोई ऐसी चीज़ खा करके अपना रोज़ा खोल लें, उसके थोड़ी देर आप रिलैक्स करके उसके बाद से आप पानी पिएं, अपने जो भी रोज़ा खोलने का इफ्तारी का सामान है उसमें ध्यान, ढेर सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होना चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे होने चाहिए। रोज़े में ढेर तरह की पकौड़ियाँ और बहुत सारे और इस तरह के दही बड़े और बहुत ऑयली चीज़ें बनाते हैं और खाते हैं लोग, कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्रीजी चीज़ें मत खाइए, उससे आपको यहाँ पे जलन होगी, आपको डकार आएगी और आप अच्छा नहीं फील करेंगे। तो आप सिंपल हेल्दी चीज़ें खाइए, आप बाद में नींबू नमक चीनी पानी का शरबत बना के पीते रहिए, इलेक्ट्रोल पाउडर घोल करके पी लीजिए, आप जो है हेल्दी खाना अपना पनीर की सब्ज़ी खा लीजिए, एग्स खा सकते हैं, जो भी खाना चाहते हैं, लेकिन उसमें ऑयल और स्पाइसेस की मात्रा बिल्कुल कम रखिए। कभी भी आप रोज़े में हैं, आप फास्ट कर रहे हैं, आप आराम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको बहुत थकान लग रही है, आपको चक्कर आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इस फास्ट को। आप अपना फास्ट तुरंत ब्रेक कर दीजिए और पानी पी लीजिए और कुछ खाने की चीज़ें खा लीजिए। और उसके बाद से प्रोटीन पाउडर दूध में मिला करके वो पी सकते हैं। शहरी के टाइम पे ध्यान रखिए कि अच्छे से अपने को हाइड्रेट करिए, दूध वगैरह, दही, दूध, शरबत, पानी, ये सारी इस तरह की चीज़ें आप अच्छे से खा पी के रखिए, जिससे कि दिन भर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपकी कमी कम ना हो।
और इफ्तारी से लेके शहरी के टाइम में आप थोड़ा थोड़ा करके कई बार में खाइए। अगर कई बार में थोड़ा थोड़ा खाएंगे और हेल्दी चीज़ें खाएंगे तो वो आपको पूरे दिन के लिए तैयार करेगा आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल मेंटेन करेगा और उससे जो है आपको वो रोज़े रखने में दिक्कत नहीं होगी। और कोई भी चीज़ ऐसी है जो जैसे जितना कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे मैंने कहा कि चीनी का शरबत पियेंगे वो तुरंत एनर्जी देके ख़त्म कर देगा, उसकी जगह पे आप प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं, लीन प्रोटीन खाते हैं, जैसे फिश होता है, एग हो गया, राजमा हो गए, छोले हो गए, चने हो गए, तो ये आपको एक स्टेबल लेवल ऑफ एनर्जी और देता रहेगा पूरे दिन में, तो इनको खाने से आपको दिक्कत होगा। और ज़्यादा एक्सटर्नोस एक्सरसाइज नहीं करना है जैसा मैंने आपको बताया, और अपने डॉक्टर से सलाह लेना मत भूलिए जब कभी भी आप फास्ट करने जा रही हैं, रोज़े आ रहे हैं, और ये देख लीजिए कि आपकी बॉडी बहुत वीक तो नहीं है, आपके बच्चे में किसी तरह के दिक्कत तो नहीं है, आपको शुगर नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, आपको नॉर्मल वेट गेन हो रहा है। ये सारी चीज़ें अगर आपने देख ली उसके बाद अगर आपने रोज़े रखने की वो की तो आपका सब कुछ ठीक होगा। मुझे उम्मीद है कि ये रोज़े आपके अच्छे जा रहे होंगे। इन रोज़ों में आपको उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क और एक दूसरे से बहुत अलग अलग रह करके काम करने की ज़रूरत है। वो फेस्टिविटी जो आप अक्सर रमज़ान के महीने में फैमिली के साथ मनाया करते थे, उस तरह की चीज़ें रियल में फिज़िकल वे में नहीं हो सकती हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकती हैं, आपके फ़ोन के थ्रू हो सकती हैं, ग्रुप बना करके लोग रोज़े खोल रहे हैं, इफ्तारी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें करिए, लेकिन अपने को बहुत सेफ़ रखिए। सेकेंड वेव जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस है और इसमें अगर आपको पानी की भी कमी हो गई उसके साथ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ऊपर वाला जितने रोज़े बचे हैं वो आपका अच्छे से करें। मैं दुआ करती हूँ कि ईद के पहले ये सिनेरियो जो अभी चल रहा है ये ठीक हो जाए, आप सब लोग अपने घरों में स्वस्थ रहें, ठीक रहें, प्रसन्न रहें। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, शब खैर।